नक्का टुटे इतों कल तो एक अगे टुटे मकोड़ साहब है अगे फुल पिंड है इधर जिन्हें भी पिंड ने घमूर घाट रामपरा गनौटा हांडा कुदनी तो इधर सारे पिंड तबाही का मंजर बन जा रहे ये सानू पहला भी ये रुक सकता सीगा पहला थोड़ा जहा नक्का टुटिया सीगा उस तो बाद वाधा वगया गया हूँ कम तो कम भी 100-150 फुट का नक्का अगे टुटिया होया है यदा प्रबंध ये मुश्किल बंद चैनल आई बेनती करना चाहते हैं कि वो तो वे प्रशासन भेज के नक्का बंद किया जाए। मैं जी तकरीबन 73 साल की उम्र हो गई मेरी, मैं इन्ना पानी कदे नहीं देखा। ये कुदरती करोपी है जिहड़ा पिछे हिमाचल च चंडीगढ़ च और पंचकूला च जिहड़ी बरसात हुई है उन्हें इत्थे पंजाब च कहर हो गया। यह बड़ा नुकसान है, किसानी पहले ही दबी हुई है, होर किसान हुण 5-4 साल वास्ते फिर ये मतलब किन्ने के पिंडां नूं नुकसान पहुंचा, किन्ने के जिहड़ी एकड़ फसल है जिहड़ा नुकसान होगा। ये तकरीबन पहला ये टुटदा सी मूणक साइड पानी, 2 साल पहला भी इधर टुटिया, उधर भी कई पिंड हमीरगढ़ सुरजन भैणी भुंदर भैणी मूणक काफ़ी पिंडों का काफ़ी नुकसान होया और सरकार ने जिन्ना सरिया मुआवजा भी दिता। मूणक नाल साडे पिंड भी कई बार कट ऑफ हो जाते हैं पानी की वजह कारण, पर इस बारी जिहड़ा पानी आया पहाड़ों का पानी है सुखना झील का पानी है और इन्हें फिर तबाही मचाती। इस बारी पिंड मकोड़ साहब और कूलद के दरम्यान ये कट होया काफ़ी मतलब पानी बहुत तेजी नाल पानी आ रहा। ये अगे काफ़ी पिंडा हरियाणे नाल लगते पिंड ने जिहड़े परमाजरा हैगा कुदनी हांडा घमूर घाट रामपुरा पहाड़ भी अपने दो खुले हुए, एक तो मकोड़ साहब हो गया अपना, एक नाल लगते पिंड फुलद है जी। तो अपना ये देख दो तुसी पानी किन्ना हो गया जी, सारे पासे पानी है जी। हाँ जी वीर जी सारे सामने अपने और सामने डेरे आ गए, इधर सारे किते पानी पानी है जी। तो बाकी इधर ही बाकी अपना डेरे जेडे बाकी बहुत नुकसान है फसल। इस टाइम आप मकोड़ साहब अपने नाल लगता पिंड एक फुलदी इतों मतलब 12-1 बजे जी नके टुटे थे, पहला फुलद टुटिया फिर मकोड़ साहब उस बाद फिर मंडवी दो नके टुटे से। पहला सी मतलब मंडवी का मैं पहला सी अपना संभिया उत्ते मतलब अपना नक्का बंद करके फिर असं मकोड़ साहब बन्न आए सी। इस नाल भी बहुत ज़्यादा लोगों की मतलब जिन्हें बंद ने फसल बीजी सी वो बहुत ज़्यादा खराब हुई है। तो उस तो बाद पिंडा च भी पानी बढ़न लग रहा, मतलब घर के नुकसान बहुत ज़्यादा होने लग रहे हैं भाई जी। हाँ सर पर फुट संपर्क टुट गया, तुम देख सकते हो सामने अपना पानी की बहाव देख लो, ये जाती है जी अपने फुलद फुल तो घमूर घाट तो अगे मतलब जिन्हें भी पिंड ने हाँ कुदनी आ गया मतलब इधर मुणक साइड ढोने साइड जाऊगा पानी भाई। घग्गर की स्थिति चिंताजनक है, 3 जगह पाड़ पे है, एक तो मकरोड़ साहब पे है, एक फुलद पे है, तो एक मंडवी, पर मंडवी जो पाड़ पिया पाड़ पोल लिता गया। तो ये जड़े दोनों पाड़ ने इन दे पूरन की असी तैयारी कर रहे हैं। बाकी हूँ इस समय 752 फुट है जोड़ा वो घग्गर का लेवल चल रहा, तो 752 फुट कोई भी किनारे नू सांभ नहीं सकते। पहला 746 फुट तो हमेशा ब्रीच हो जाते थे, पर कल शाम 750.2 फुट जो लेवल से कोई ब्रीच नहीं हुई सी। मतलब अगे की साफ सफाई प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा किते सुचजे प्रबंधा करके सारा प्रशासन 3 दिन तो DC साहब SSP साहब सारे SDM साहब ADC साहब सारा प्रशासन पिछले 3 दिन तो इत्थे बैठा हुआ है। तो इन्हां प्रबंधा के सदका 750 फुट से ब्रीच नहीं हुई, पर पिछों पानी एड्डी वड्डी मात्रा दे विच आ रहा है। हुण तुसीं देखो कि 2 जगह तो ब्रीच हुई पई है, किन्ना पानी इत्थे बाहर निकल गया, पर उत्थे 752 फुट हो गया। सो कहन तो भाव पिछों इन्नी वड्डी गिनती च पानी आते वही मैं दसदा एड्डी वड्डी मात्रा च पानी आने कारण ये जिहड़ा दुखांत वापरिया। बाकी इस तो प्रभावित फूलद पिंड है, इधरले पासे तुसीं चले जाओ घमूर घाट रामपुरा गनौटा हांडा कुदनी ये पिंड साढ़े अफेक्टड ने जिन्हां पिंडां दे नेड़े पानी लगे। पर साड़ी पूरी कोशिश है कि पिंडां दे विच पानी ना बढ़े, क्योंकि जो फसली नुकसान है इहदी पूर्ति की जा सकती है, जानी नुकसान की पूर्ति नहीं की जा सकती। सो इस दे लई सारे प्रशासन सारे थोड़े सामने खड़े है, तो पूरी कोशिश इस गल की लगी हुई है
कोई पानी पिंडा दे विच ना जिहड़े बाढ़ ने कल रात नूं 2 बजे तो बाद जिहड़े ने उह पए ने असी 3 ब्रीचेज होई सी एक ब्रीच असी ऑलरेडी जिहड़ी हैगी वंडवी दे कोले उह आपां प्लग कर ली हैगी बाकी 2 ब्रीचेज ते कम चल रहा है लगभग जिहड़ी इहनां दी विड्थ हैगी लगभग 50 तों 100 फुट दे विचकार हैगी दोवां दी ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਐਡੀਕੁਏਟਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ 1993 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਔਥੈਂਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ MLA ਸਾਹਿਬ SSP ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 750 'ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ 48 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 752 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਰੈਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ